हेलो स्टूडेंट, माय स्मार्ट गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाल विकास की क्लास फोर्थ। इसमें हम बाल विकास से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम हमारे चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें। आज जो हम ऑप्शन लेकर आए हैं, अभी तक जो हमने तीन वीडियो की है ना, उनसे ही रिलेटेड है, एमसीक्यू हैं। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो तीनों वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा, अवस्थाएँ और अधिगम से संबंधित जो हमने टॉपिक किए हैं उनसे ही रिलेटेड एमसीक्यू, जो एमपीटेट सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया, बताओ इनमें से कौन सा नहीं होगा। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है? देखो, हमने पढ़ा था, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किस में होती है? शैशव अवस्था में। तो ये तो है शैशव अवस्था की विशेषता। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चों में बहुत होती है शैशव अवस्था में, और बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं किस में? शैशव अवस्था में। इनमें से कौन सी नहीं है? चिंतन की प्रक्रिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है? चिंतन की प्रक्रिया। इसमें बच्चे सोचते तो हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होता? तर्क नहीं होता। तो चिंतन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बाल अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, ए वाला डी आंसर हमारा राइट होगा। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तनाव और क्रोध की अवस्था है, इनमें से तनाव और क्रोध की अवस्था है कौन सी है? शैशव अवस्था या किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। हमने पढ़ा है ना कि सबसे ज़्यादा तनाव कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोर अवस्था को। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है? तो कौन सा हुआ इनमें से? शैशव अवस्था या बाल्यावस्था या किशोर अवस्था या पौर्णावस्था। तो शर्म और गर्व जैसी जो भावना होती है वह बाल अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? बाल अवस्था में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पूर्व बालकाल अवस्था है, इनमें से कौन सी पूर्व बालकाल अवस्था है? 3 से 4 वर्ष या 3 से 6 वर्ष या 4 से 6 वर्ष या 5 से 6 वर्ष। अगर जिसने थ्योरी वाली वीडियो देखी होंगी तो उनसे ऑप्शन जरूर बन रहे होंगे। कौन सी है पूर्व बालकाल अवस्था? ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो पूर्व बाल अवस्था कहलाती है। और ये किसने बताया था? रॉस ने बताया था। कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया था? रॉस। रॉस के अनुसार जो 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है उसे पूर्व बालकाल अवस्था कहा जाता है। ये जो जितने भी एमसीक्यू हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कृपया नहीं ध्यान से पढ़िएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अभिवृद्धि का अर्थ है, इनमें से क्या अभिवृद्धि का अर्थ है? शारीरिक विकास या मानसिक विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभिवृद्धि का विकास है तो क्या है अभिवृद्धि का विकास? शारीरिक विकास। ठीक है, कौन सा आंसर है इसमें? अभिवृद्धि का अर्थ है
शारीरिक विकास। अगर हमसे पूछते विकास का अर्थ है तो उसमें क्या बोलते हैं, मानसिक विकास। विकास में मानसिक और शारीरिक विकास दोनों आते हैं। अगर अभिवृद्धि पूछा है तो शारीरिक विकास। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, यानी जो सीखने की सफलता का अगर मुख्य आधार क्या होगा, किसे सीखना माना जाता है, दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति या डी ऑप्शन हमारा कोई नहीं। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, लक्ष्य प्राप्ति। अधिगम किसे बोलेंगे, जब तक हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान के आधार पर हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिगम की सफलता। ठीक है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, लक्ष्य प्राप्ति। सेवेंथ क्वेश्चन है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के द्वारा, यानी जो बालक होता है वो अपने शरीर के अंगों को चलाना सीख जाता है, वह अधिगम किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है गत्यात्मक, बी है समस्यात्मक या समस्या समाधान, तीसरा है हमारा सी ऑप्शन शाब्दिक या उन्नतोदर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। हमने विकास के विभिन्न आयाम पढ़े थे जिसमें शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, गत्यात्मक आयाम, अलग अलग तरह के जो आयाम पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था कि शरीर के अंगों का संचालन जो बालक करता है वह गत्यात्मक विकास के आयाम द्वारा करता है, यानी शरीर को चलाना वो सीखता है शरीर के विभिन्न अंगों को, तो कौन से आयाम पर डिपेंड करता है, गत्यात्मक। ठीक है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के द्वारा, गत्यात्मक अधिगम के द्वारा, जिसको क्रियात्मक अधिगम भी बोला जाता है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, गैस्टॉल्ट का अर्थ है, इधर जो गैस्टॉल्ट शब्द है इसका अर्थ क्या है, व्यवहार के रूप में या ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन के रूप में, सी ऑप्शन मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में। यहाँ गैस्टॉल्ट जो शब्द है इसका अर्थ है समग्र के रूप में, यानी सभी तरह जो बालक का विकास होता है उसके रूप में, समग्र के रूप में। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सीखना विकास की प्रक्रिया है यह कहा, जो सीखना विकास की प्रक्रिया है यह किसने कहा है, क्रोएम, क्रो, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या स्किनर। सीखना विकास की प्रक्रिया है ये किसने कहा है, वुडवर्थ, किसने बोला है, वुडवर्थ। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है यह कहा है, यानी अधिगम जो बोला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह किसने कहा है कि जब हम अधिगम यानी जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, यह किसने बोला है, बर्नहोस्टर या गेट्स या ई ए पील या स्किनर। तो किसने बोला है व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, गेट्स ने बोला है, किसने बोला है, गेट्स। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसने वो थ्योरी वाले पार्ट ना देखे हो जो मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ वो थ्योरी ज़रूर देखें, जिसने वो थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा उससे MCQ ज़रूर बन रहे होंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, इनमें से अधिगम को कौन से घटक प्रभावित करते हैं, वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता या सभी। तो अधिगम को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, वातावरण भी करता है, हमने देखा है यदि बालक को वातावरण अच्छा नहीं मिल पाएगा तो वह सही से सीख भी नहीं सकता, तो वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है यानी सीखने को प्रभावित करता है। प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है, यदि किसी बालक का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा अगर हम उसको मोटिवेट करते हैं तो वो पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लगता है, तो प्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करता है। परिपक्वता, यदि किसी बालक का विकास पूरी तरह हो गया मानसिक शारीरिक संवेगात्मक
यानी वो पूरी तरह परिपक्व हो गया तो उसे अधिगम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो अधिगम को परिपक्वता भी प्रभावित करती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? उपरोक्त सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारे घर पर सही होता है। 12th क्वेश्चन है हमारा, अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? जो अध्यापन है उसका अधिगम से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं, आपस में कोई संबंध नहीं, दोनों या कोई नहीं। अध्यापन का अधिगम से क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। इसमें आंसर कौन सा सही होगा? दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो अध्यापन है वो अधिगम से कैसा है? संबंधित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इधर सही होता है। ये सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं, ये हमारे नहीं होंगे सही। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 13th क्वेश्चन है हमारा, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी जो अधिगम यानी हम जो सीखते हैं, यदि वह अर्थ के साथ हम सीख रहे हैं तो उसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, कोई नहीं। तो इनमें से आंसर नंबर कौन सही होगा? बी, मानसिक। यानी जब हम कुछ सीखते हैं और वो हम अर्थ के साथ सीखें यानी समझ कर हम सीखें, तो वो किससे जुड़ा होता है? हमारी मानसिक प्रक्रिया से। तो अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? मानसिक। ठीक है, अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसने कहा? कि जो अधिगम है वह किससे रिलेटेड है? आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसने बोला? स्किनर ने, या वुडवर्थ ने, या गेट्स ने, या क्रो एंड क्रो? आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ये किसने बोला था? क्रो एंड क्रो। ठीक है, 15th क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? वुडवर्थ, स्टैनली हॉल, पेस्टोलॉजी, गेट्स? किसे कहा जाता है बाल विकास के जनक? पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ, स्टैनली हॉल। किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल। बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल। और इन्होंने ही एडोल्सन नामक पुस्तक भी लिखी है। किसने? स्टैनली हॉल। याद रखना, स्टैनली हॉल ने कौन सी बुक लिखी है? एडोल्सन। किशोर अवस्था से रिलेटेड बुक जो किसने लिखी है? स्टैनली हॉल ने। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? वेस्टोलॉजी, विलियम्स जेम्स, जॉन लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक लिखी है वो वेस्टोलॉजी ने लिखी है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है अपने ही 3.5 साल के बेटे पर अध्ययन करके ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? बेबी बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत किस सन में हुई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो बाल विकास अध्ययन स्टार्ट हुआ यानी बालकों को किस तरह पढ़ाया जाए, यानी उनकी अवस्थाओं के अनुसार किस तरह पढ़ाया जाए, इसकी शुरुआत किस सन में हुई भारत में? 1830, 1893, 1870, 1885। इधर देखना, ध्यान देना, 18 की जगह क्या आएगा? 9 आएगा इधर। ठीक है, 19, 8 की जगह क्या कर लेना? 19। भारत में बाल विकास अध्ययन की जो शुरुआत हुई किस सन में हुई? ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। कब हुई? 1913। अगर विश्व में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत पूछी जाए तो वो 1893, विश्व की बात की जाए तो 1893, और भारत में पूछा जाए तो 1930। ठीक है, विश्व में जो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका से हुई थी, कब? 1893। और भारत में बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1930, कब हुई थी? 1930 में हुई थी।
और अगर पूछा जाए कहाँ से हुई थी तो कोलकाता से, कहाँ से हुई थी कोलकाता से। भारत में बाल विकास अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कोलकाता से हुई। क्वेश्चन नंबर 18, बाल अपराध सुधार गृह की शुरुआत हुई, बाल अपराध सुधार गृह की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से, कहाँ से हुई थी अमेरिका से। बाल अपराध सुधार गृह की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका से हुई। विकास आधारित है, जो विकास है वो आधारित है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि जो विकास है वो आधारित है, व्यवहारात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा था अभिवृद्धि और विकास, तो अभिवृद्धि कैसी थी, मात्रात्मक, जिसमें क्या हो रहा था, शरीर के भार और अंगों का विकास हो रहा था। लेकिन जो विकास होता है इसमें क्या होता है, आंतरिक गुणों का विकास होता है। तो विकास क्या है, गुणात्मक। विकास आधारित है किस पर, गुणों पर, इसलिए कैसा है, गुणात्मक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था की किस उपावस्था में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, यानी बच्चों का जो हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है गर्भावस्था की, वह कौन सी उपावस्था होती है, डिम्बावस्था या पिंडावस्था या भ्रूणावस्था या सभी। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बताया था कि जो डिम्बावस्था होती है ये 2 हफ्ते तक होती है, यानी 14 दिन। पिंडावस्था जो होती है इसमें बच्चों के अंग बनने लगते हैं लेकिन उनमें विकास नहीं होता, और अंग बनने के साथ हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पिंड अवस्था। गर्भावस्था की किस अवस्था में हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, पिंड अवस्था। और जो भ्रूणावस्था होता है इसमें क्या होता है, जो अंग बने हैं पिंड अवस्था में उनका विकास अगर बोलें तो कौन सा, भ्रूणावस्था। ठीक है, विकास कब होता है अंगों का, भ्रूणावस्था में, और हृदय धड़कना प्रारंभ करता है पिंड अवस्था में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है इधर पे। ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसके हमने वो आज ऑप्शन भी कर लिए। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो MPTET CTET के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलती रहें। बाय, थैंक यू।